कि वादा करके जाते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। एमसीडी वाले भी नहीं सुन रहे हैं इसमें, और कभी कभार आते हैं अपना काम करने चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। 4-5 महीने का 8,000 बिजली का बिल भरा है। मनीष सिसोदिया जी ने कराया काम और अरविंद केजरीवाल जी ने कराया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। आपका नाम क्या है? महेश कुमार। उषा राले। मेरा नाम इंदर है। महेश जी, विधानसभा चुनाव आने वाले दिल्ली में, क्या लगता है ये अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है 2015 से यहाँ पर है, कितना काम किया? अरविंद केजरीवाल ने तो फिर भी काम किया जी, जो इस क्षेत्र के जंगपुरा विधानसभा के जो है प्रवीण कुमार जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप यहाँ पर विकास देख सकते हैं, सड़कों के बारे में देख सकते हैं, सीवर के बारे में देख सकते हैं। ये सड़क सीवर ये सब तो एमसीडी में आएगा, लेकिन बोर्ड तो देखो ये प्रवीण कुमार के लग रहे हैं। अच्छा, बोर्ड तो प्रवीण कुमार का, चौक पर जाकर देखो लगभग सब जगह प्रवीण कुमार जी के लगे हुए हैं। बोर्ड मतलब क्या, रोड बनाने को लेकर? रोड बनाने का भी लगा हुआ है, सीवर का भी उनका ही बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो खुद, आप लगे चौक पर चलिए, चौक पर देख लीजिए आप इसमें। हाँ जी, कहते हैं कि स्कूल, आप स्कूल के बाहर ही खड़े हैं, कहते हैं कि स्कूल में बहुत काम हुआ है यहाँ पर। स्कूल में जो भी काम करा है प्रवीण कुमार जी ने करा है, मनीष सिसोदिया जी ने करा है काम, और अरविंद केजरीवाल जी ने करा है स्कूल का काम। इन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं करा, जो भी काम करा है इन्होंने करा है, प्रवीण जी ने कोई कुछ काम नहीं किया इसमें। वो तो कभी कभार एक दफे आ गए देख गए, वो तो यहाँ विधानसभा में आते भी नहीं है, देखते भी नहीं आकर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पर। और ये इलेक्ट्रिसिटी का कहते हैं कि बिल माफ हुआ है, आपको यहाँ पर रहते हैं आपको क्या लगता है, माफ हुआ? हाँ जी, ये हुआ जिनके लिए हुआ, हमारे लिए कोई खास कोई ना हुआ इनके लिए। तो आपको ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में तो कुछ काम किए हैं, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कमी है? हाँ जी, विधानसभा में जंगपुरा में तो पूरी कमी है। जंगपुरा आप पूरी देख लो, पूरे भोगल क्षेत्र में देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ। आश्रम निजामदीन जंगपुरा कई एरिया में कोई काम नहीं हुआ, जो भी हुआ छोटे मोटे कोई काम हो गए, वो कामों में गिनती कोई ना होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं रहा, नहीं रहा। वोट मांगने के चक्कर होता तभी अपना थोड़े जब भी आते हैं हाथ जोड़ के कि हमें वोट दो, कि वादा करके जाते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। अच्छा, क्या आपके विधायक है प्रवीण कुमार? हाँ जी। क्या लगता है किस तरह का काम नहीं किया उन्होंने? किस तरह का काम नहीं किया कि पहले तो बिजली के बहुत बढ़ा दिए बिल और अब घटा दिए, ये ऐसे क्यों? तो क्या, क्या कभी तो रेट घटा देते हैं कभी बढ़ा देते हैं। अच्छा, इनका ऐसा पहले का माफ कर दिया, पहले भर दिए, पहले पहले घटा दिए थे, अभी घटा घट के आ रहे, पहले उससे पहले बढ़ के आ रहे थे। 8,000 रुपए भरा पानी का बिल का। अच्छा, 8,000 भरा? 8,000 कह रहे कि बिजली पानी माफ कर दिया? कोई माफ, क्या क्या माफ है बताओ, कोई माफ है? 4-5 महीने का 8,000 बिजली का बिल भरा है। 5 महीने का 8,000 और बिजली का? बिजली का भी भरा है 4,000 का, तो एक महीने का ही आया आपके। हाँ, और स्कूल वगैरह में कहते बहुत अच्छा काम किया है, या फिर जो हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो देखो जी यहाँ तो हॉस्पिटल एक ही है, वो डिस्पेंसरी बच्चा बच्चा का, और वो डिस्पेंसरी वगैरह उसका काम है, तो ज्यादा कोई जाता नहीं है, हम तो जाते नहीं है, कम जाते हैं अभी, अब जरा थोड़ा सा इलाज चलन लगा है तो अब वो लिख दिया वहाँ से दवाई डॉक्टरों ने, सफदरजंग वालों ने, जब वहाँ से दवाई मिल रही है। अच्छा, सफदरजंग वाले। और जो ये मोहल्ला क्लिनिक है उसका, वो यहाँ पर है ही ना, कौन जाएगा वहाँ आश्रम पर लेने के लिए, कोई वहाँ पे सुनता भी नहीं होगा एक आध बार जाने तक। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है? नहीं। अच्छा, स्कूल के लिए आप क्या कहेंगे? स्कूल में काम बढ़िया हुआ है, स्कूल और बिजली भी माफ हुआ है, पानी भी माफ हुआ। तो किस तरह के काम है जो नहीं हुए, क्योंकि आप जो सड़क और सीवर की बात कर रहे हैं, सीवर का, सड़क का, बिजली का, ये जितने भी पेड़ लगे हुए हैं इनकी सफाई का कोई काम नहीं हुआ, सफाई का कोई काम नहीं होता। आप सुबह जी 7 बजे आके आप विजिट कीजिए, आपको पता लगेगा कि कितना काम हुआ है। अच्छा, तो एमसीडी का काम, अगर ये सब हम कहें कि एमसीडी का काम है, एमसीडी वाले भी नहीं सुन रहे हैं इसमें, और कभी कभार आते हैं अपना काम करने चले जाते, कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं करते। हाँ जी, जो कांग्रेस से विधायक बनी बैठी है वो यहाँ पे एक दो दफे आई है, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो ऐसा तो बदलाव तो आया है स्कूल में, जब तक हमारे बच्चे ही कम से कम 40-40 साल के हो गए, तो जब तक अब तक तो बदलाव तो आएगा ही ना कुछ तो। अच्छा, तो क्या लगता है, पहले बीजेपी का भी सरकार रह चुका है, कांग्रेस का भी, अब आम आदमी का भी सरकार है, तो दिल्ली की अगर उसमें ले तो किसने सबसे अच्छा काम किया है?
अब तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता काम वाम करना वाला, किसी का भी नहीं लगा। मुझे काम तो सबका सही रहा, हमारे लिए सब बराबर है। सबसे क्या मतलब है, पहले बीजेपी की भी सरकार थी, फिर कांग्रेस की भी थी, फिर आम आदमी पार्टी की भी रही है। आम आदमी भी सही काम कर रहा है और कांग्रेस भी सही काम किया है, हमारे लिए सब सही है। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, आपके एमएलए हैं प्रवीण कुमार, कैसा काम है उनका? काम ठीक ही है जो है, हाँ काम ठीक। स्कूल वगैरह कहते हैं कि बना है, अच्छा अगर तो सारा सही है। स्कूल आपके घर से बच्चे पढ़ते होंगे? हाँ पढ़ते हैं। किस तरह का डेवलपमेंट आपको लगता है कि हुआ है? सही हुआ है। किस तरह का डेवलपमेंट हुआ बताइए? मतलब पढ़ाई वढ़ाई सही करवा रहे हैं, मतलब स्कूल भी सही हो रहे हैं, सब कुछ सही है। 2019 में बीजेपी सरकार ने यहाँ पर अच्छा खासा उनका प्रदर्शन रहा, क्या लगता है यही कारण है क्या कि 2019 में ऐसा हुआ? 2020 का फिर क्या होगा? 2020 में हमें तो मोदी चाहिए नहीं। अच्छा, हमें तो नहीं चाहिए जी, हमें तो केजरीवाल चाहिए। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल सरकार? अच्छा हाँ जी, दिल्ली में केजरीवाल चाहिए जी हमें। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या? हमारे विधानसभा में कि ये प्रवीण कुमार जी इस पर नहीं होना चाहिए, कोई और आ जाए आप पार्टी से। अच्छा मतलब आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके विधायक काम नहीं कर रहे? हाँ। आपने कभी उनको जाकर कंप्लेन करने की कोशिश की? कंप्लेन की है। क्या रिप्लाई क्या है? हाँ जी हो जाएगा सर। अच्छा, और फिर कुछ नहीं हुआ? और कुछ नहीं, आते कभी कभार थोड़ा छोटा मोटा काम करके चले जाते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं होती, वो खुद ही ऑफिस में नहीं मिलते। आपके जो एमएलए हैं प्रवीण कुमार वो सुन नहीं रहे, आते नहीं है? देखो जी मैं तो कुछ काम के नहीं, उनके घर जाते ही ना। अच्छा, इसी बात में दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या लगता है कैसा काम कर रही है? ये तो आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने दिल्ली में देख रहा है, हर जगह 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 कूड़ा पड़ा है। कूड़ा तो एमसीडी का है, तो वो तो एमसीडी काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो? अब सरकार वरकार का मुझे इतना नहीं पता, घरों का कम हुआ है। कम हो गया? हाँ कम हुआ। अच्छा, और पानी क्या है कि एक लिमिट तक वहाँ तक जाकर अगर आपने कम पानी यूज किया है तो फ्री कर दिया गया था, आपको पानी का बिल माफ हुआ? हाँ पानी का बिल माफ है। पानी का बिल भी माफ है, किसी तरह की कोई परेशानी या फिर कोई परेशानी नहीं? एमएलए जो प्रवीण कुमार हैं वो आते हैं यहाँ पर इलेक्शन के बाद? आते हैं, बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं। कभी कोई दिक्कत हो आप जाते होंगे बताने कि उनके ऑफिस में कि मुझे इस तरह की परेशानी है, तो उस पर कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं जाते हैं, लेडी थोड़ी जाते हैं, मतलब आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब सुनवाई हो जाती है, सुनवाई हो जाती है, काम हो जाती है। अब फिर से कांग्रेस के भी प्रत्याशी होंगे या फिर अगर पार्टी की बात करें, कांग्रेस भी होगा, बीजेपी भी होगा और आम आदमी पार्टी भी होगा 2020 में चुनाव में, क्या लगता है जनता किस तरफ करवट लेगी? अभी तो जनता के ऊपर है, देखो जी हमारे कहने से कुछ थोड़ी होना है। काम को देखकर, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं तो काम को देखकर आपको, आम जनता यहाँ की जो लोग हैं उनसे बातें होती होगी, तो आसपास में, तो आपको लगता होगा कि जनता किस सरकार से ज़्यादा खुश है? जनता तो यही कहती है मतलब आम आदमी पार्टी रहे तो सही है। आम आदमी पार्टी और विधायक भी ठीक है आपके? विधायक देखो जी दोनों ठीक थे, मारवा जी भी ठीक थे, ये भी ठीक है। अच्छा, तो बीजेपी जो पहले भी यहाँ पर सरकार रह चुकी है, 3-4 साल रही है, तब क्या तब काम हुआ था या फिर उस वक्त भी काम नहीं हो रहा? बीजेपी में थोड़ा सा काम हुआ था, उसके बाद इतना काम नहीं हो पाया। कांग्रेस सरकार? कांग्रेस में नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है सिर्फ आम आदमी पार्टी, तो इस बार जो 2020 का इलेक्शन होगा तो आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। और विधायक सिर्फ इस एरिया की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी से कोई और आ जाए वो ठीक है। और आप दिल्ली के निवासी हो तो आप ये बता सकते हो कि जो दूसरे एरिया की बात, वहाँ के विधायक का भी यही है या फिर हर जगह? मैं मतलब पूरा जमुना पार्क के एरिया में मेरा काम है सारा, मैं उधर काम करता हूँ, उधर आम पार्टी ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया हुआ है, तो सारा गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है बहुत बढ़िया बनाया है, सारा बढ़िया से बढ़िया बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ तो जी, मेरा आपकी नाराजगी सिर्फ? नहीं, मैं सारा गवर्नमेंट स्कूलों में काम करता हूँ, सारे गवर्नमेंट स्कूल सारे बढ़िया है, शौचालय वगैरह, बिल्डिंग वगैरह। किस तरह का वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है स्कूल में? स्कूल में सफाई का तो बहुत ध्यान रखा गया है, शौचालय का बहुत ध्यान रखा गया है, इसमें जो बिल्डिंग में हमेशा सफाई का पूरा ख्याल है, टीचर वगैरह सब बढ़िया। तो आपकी नाराजगी सिर्फ आपके अपने विधायक से है, उससे ज्यादा? हाँ जी। आपको लगता है आम आदमी पार्टी काम कर रही है? हाँ जी, आम आदमी पार्टी काम कर रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।